सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेके आ रहे हैं हम अपने फार्म से ही, और आज फार्म पे बहुत शानदार शानदार जोटियां सामने आप देख पा रहे हैं वीडियो में। पहले जो इतने अच्छे पशु हमारे पास जब हैदराबाद गाड़ी गई थी, जो पहले ब्यांत की जोटियों की, उस टाइम पर इतने अच्छे अच्छे पशु पहले ब्यांत के हमारे पास थे, आज पहले और दूसरे ब्यांत के हैं। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा जो फार्म का एड्रेस है, वो हमारा जो गांव है वो पुर है, तहसील भवानीखेड़ा, ज़िला भिवानी हरियाणा में है, इसार जींद और रोहतक से लगभग 50-50 किलोमीटर की दूरी पे। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप गूगल मैप पर सनसनीवाल डेयरी फार्म डालेंगे तो हमारे फार्म की लोकेशन आ जाएगी, और आपको चाहे आप दिन में आएँ चाहे रात में आएँ, जो गूगल मैप से सीधे आप हमारे फार्म के पास आके रुकेंगे, हमारे फार्म के ऊपर आके रुकेंगे, और जो है आपको कहीं भी रास्ता पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे पास बहुत ही शानदार पहले और दूसरे ब्यांत की सारी भैंसें पहले और दूसरे ब्यांत की हैं, और एक भैंस को छोड़ के कोई भी भैंस 10 दिन से ऊपर की बच्चा दिए हुए नहीं है। तो कुछ पशु खीस में हैं, बोड़े में हैं, कच्चे दूध पे हैं, और कुछ अभी दूध से शुरू हुए हैं। तो सारी भैंसों के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, रेट भी बताऊंगा। बहुत सारे भाई रेट जब हम बताते हैं तो कोई कहता है महंगे हैं, कोई कहता है सस्ते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो भाई कमेंट भी करते हैं या फ़ोन भी करते हैं, उनमें से 60% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जो हम 14-15-16 किलो दूध बताते हैं वो एक टाइम का है या दो टाइम का। सबसे पहला उनका यही बात होती है कि 16 किलो दूध एक टाइम का, तो उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा पशु रखना, सबसे पहले तो हम उसको खरीद के लेके आते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर बेचने लायक वो होता है। तो महंगे सस्ते वाली कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। रूटीन में एक दो पशु डेली हमारे बिक रहे हैं, अगर महंगा काम करें तो शायद ही कोई हमसे ले। और सारे के सारे पशु अभी फ़िलहाल तो 100% जो पशु हैं वो फ़ोन पे बेचे जा रहे हैं, वीडियो दिखाई जा रही है, दूध दिखाया जा रहा है वीडियो कॉल करके, और अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तब पशु बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कोई भी पशु की कोई शिकायत नहीं है, जिस भाई के पास भी हमारे पशु गए हैं बहुत बढ़िया दूध उनके पास, हमारे यहाँ से 1-2 लीटर दूध ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो अभी बात करेंगे दूसरी, जो पहले नंबर पर भैंस है दूसरे ब्यांत की है, और अभी मात्र 5 और 6 दिन की ब्याई हुई है। अभी इसमें दूध 16 लीटर दूध अभी इसमें तैयार है। साइज देखिए, बॉडी वेट देखिए, बहुत ही शानदार 22-23 किलो दूध जब हमारे पास आई थी उस टाइम मैंने इसका फ़ोटो भी डाला था और कहा था कि 22-23 किलो दूध देने वाली जोटी है, और जब 24-25 की जब 20 किलो दूध से ऊपर तैयार हो जाएगा तो इसको बेचने का विचार है। उस टाइम तक हम इसको घर रखेंगे, तैयार करेंगे दूध, और उसके बाद ही इस जोटी का जो है हम रेट बताएंगे। बंद हो भाई अंदर। तो दूसरे ब्यांत की जोटी 22 किलो 23 किलो दूध देने की पूरी उम्मीद है। 5-6 दिन की ब्याई हुई में आज 16 लीटर दूध इसमें तैयार है, साथ में इसके कटड़ा है। तो ये जोटी जो मैं बात कर रहा हूँ आज अपने फार्म पे बिक्री के लिए जो पशु हैं उनमें सबसे बेस्ट यही जोटी है। उससे आगे फिर 2 नंबर पर एक और जिसमें 14 लीटर दूध तैयार है और लगभग ये 10 दिन की ब्याई हुई है। इसके पीछे कटड़िया खोल के दिखाओ भाई, 14-15 लीटर दूध इसमें भी तैयार है, 10 दिन की अभी ब्याई हुई है, साथ में बहुत सुंदर कटड़ी है। इसकी कीमत रखी है 1,50,000 रुपये। बहुत शानदार जोटी दूसरे ब्यांत की, बिल्कुल छोटा सींग और ओरिजिनल जो मुर्रा है वो बिल्कुल मुट्ठी के आकार का थन, बहुत ही साफ सुथरी चुआई की, ये देखिए ले आ भाई, 1,50,000 रुपये इसकी कीमत रखी है, दूसरे ब्यांत की जोटी है। साथ में कटड़ी बहुत ही खूबसूरत है, वो देखिए सामने आप देख पा रहे हैं। कोई भी भैंस जो मैं बात कर रहा हूँ 10 दिन से ऊपर की नहीं है, एक भैंस 10-11 दिन की ब्याई हुई है, उसके अलावा सारे के सारे पशु अभी कच्चे दूध पर चल रहे हैं, और बहुत बढ़िया मैं कहूँगा फ़िलहाल आज की डेट में सारे के सारे पशु बहुत ही बढ़िया तैयारी पर हैं, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। अगर कोई और दूसरे चैनल वाला भाई आज वीडियो बना रहा होता तो बहुत ज़्यादा बातें इन पशुओं के बारे में होती, अपने पशुओं के बारे में ज़्यादा बोला भी नहीं जाता।
तो ये देखिए तीसरे नंबर पे बहुत ही मैं कहूँगा सुंदर जोटी है, दूसरे ब्यात की साथ में कटड़ा है जो कि आज पांचवे दिन की ये भी ब्याई हुई है। कटड़े के देखिए अभी नाप भी लटक रही है, गिरी हुई नहीं है। खोलो भाई इसको भी, इसमें भी 15 लीटर दूध अभी तैयार है और उम्मीद करेंगे ये भी 19-20 लीटर दूध निकालेगी और जब पूरे दूध पे आएगी सही तो तभी बेचने का इसका मैं कहूँगा मज़ा है। लेकिन वैसे अगर जो भाई फ़ोन ज़्यादा करेंगे रेट के चक्कर में, इसलिए मैं रेट भी बता रहा हूँ कि इसका 1,75,000 रुपये रेट है। ले आ भाई वापस, खोल ले कटड़ी कटड़ा भाई, कटड़ा इसके पीछे है। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं 50, 60, 70, 80 हज़ार वाले पशुओं के लिए हमारे फ़ोन पे फ़ोन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस रेट का पशु हमारे पास मिलता नहीं है। लगभग 1,00,000 से ऊपर का ही पशु अपने फार्म पे आपको मिलेगा। पीछे इसके कटड़ा है, दूसरे ब्यात की है, शायद 6 दांत है ये जोटी और बहुत बड़ा अर्डर ये जोटी जो है बनाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे दूध पे आ रही है। अभी सारे के सारे पशु मैं कहूँगा थोड़े दिन के ब्याए हुए हैं और अपने फार्म पे अभी आए ही हैं, तो अभी पूरी तैयारी पे जो दाना वगैरह खाने का सिस्टम है वो भी पूरा खा पी नहीं रहे हैं। इससे आगे एक पहले ब्यांत की जोटी जिस मालिक से हमने खरीदी उन्होंने पहले ब्यांत की बताई, बाकी लेकिन लग दूसरे ब्यांत की रही है और खीस से खाली करके लगभग 11 लीटर दूध इसमें है, 16 लीटर दूध ये भी निकालने वाली लग रही है। ये देखिए अभी आज तीसरे चौथे दिन की ही ब्याई हुई है, ज़्यादा दिन की ब्याई हुई भी नहीं है। इसकी कीमत रखी है 1,25,000 रुपये। ये देखिए ले आ भाई, बहुत बड़ा आर्डर जब हमने खरीदी थी उस टाइम आर्डर मैं कहूँगा जो चड्डा है आर्डर है उससे इसको चला नहीं जा रहा था। इसके साथ में कटड़ा है, ये देखिए बिल्कुल छोटे सिंह की साफ़ सुथरी जोटी है और बहुत बढ़िया चुआई की, थनों का साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये देखिए इससे आगे फिर एक और पप्पू खोल भाई इसने, इससे आगे दूसरे ब्यात की जोटी है जो कि आज 11-12 दिन की ब्याई हुई है, मेड़े से नहीं लगी है, कड़ से नहीं चली हुई है। 16 लीटर दूध इसमें तैयार है, 18 लीटर दूध उम्मीद करेंगे आराम से देगी। साथ में इसके कटड़ी है जो कि नीली रावी नस्ल की है, इस जो कटड़ी का बाप है वो नीली रावी नस्ल का बुल है। जिस भाई से हमने खरीदी उन्होंने बताया नीली रावी नस्ल का जो है इसका फादर था पंचायती बुल, हमारे हरियाणा से ही खरीदी हुई है और 16 लीटर दूध इसमें तैयार है, 18 लीटर दूध निकाल देगी। इसकी कीमत 1,25,000 रुपये, साथ में कटड़ी देखिए 18 लीटर दूध की भैंस 1,25,000 रुपये। और जो मैं दूध की बात कर रहा हूँ कोई भी भाई 2 टाइम 3 टाइम कितने भी टाइम देख सकता है, कोई ये ना सोचे कि हम 14 लीटर वाली का 16 लीटर बता रहे हैं। इस बात को बिल्कुल आप गौर से ध्यान करें सुने। इससे आगे 4 दांत जोटी जो कि अभी खीस से खाली हुई है और इसमें 12 लीटर दूध है, इसकी कीमत भी 1,25,000 रुपये रखी है। 16 लीटर दूध से ये भी कम नहीं रहेगी। इसके पीछे बहुत ही सुंदर कटड़ी है ये वाली, ये देखिए खीस से खाली होती हुई जोटी लगभग 3-4 दिन की ब्याई हुई में अभी 12 लीटर दूध है इसमें। ये देखिए 15-16 लीटर दूध 4 दांत जोटी अगर निकाल देती है तो आप आइडिया लगाएं अगले साल ये कितना दूध निकालेगी। दूसरे तीसरे ब्यांत में 20 लीटर से ऊपर दूध अगले ब्यांत में, या 20 लीटर और तीसरे ब्यांत में 20 लीटर से ऊपर दूध देने वाली है। ये भी खोल लो भाई, ये पहले ब्यांत की जोटी जो सामने आप देख पा रहे हैं अभी इसमें 9-10 लीटर दूध है और ये भी ब्याई हुई लगभग 4-5 दिन की ही है। इसकी कीमत 1,05,000 रुपये। पहले ब्यांत की जोटी बहुत ही साफ़ सुथरी, थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही है, बारिश वगैरह का मौसम है। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं मैं बताना चाहूँगा लगभग 48-49 डिग्री टेम्परेचर पे ये पशु दूध दे रहे हैं। जो पशु पहले अपने घर पे रखे हुए हैं जो 15-16 लीटर दूध दे रहे थे वो आज 12-13 लीटर दूध दे रहे हैं। 49 डिग्री तक टेम्परेचर हरियाणा में गया हुआ है और जो भाई महाराष्ट्र से हैं उनके काफ़ी बार हमारे पास फ़ोन इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ ये पशु सेट हो जाएंगे कि नहीं, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये देखिए बूरी जोटी जो कि लगभग 10-12 दिन की ब्याई हुई हो चुकी है पहले ब्यात की और इसमें दूध अभी है 11 लीटर।
1,05,000 रुपये कीमत रखी है। 14 लीटर दूध निकालेगी, मैले से नहीं लगी है, कल से नहीं लगी है। साथ में इसके कटड़ियाँ नीली रावी, इसी बूरी कह दें, नीली रावी कह दें, ये देखिए बहुत ही सुंदर और एक्टिव कटड़ियाँ, काफ़ी दूध इस कटड़ी को हम पिला रहे हैं फिलहाल। एक और जोटी जो कि मैंने आपको काफ़ी बार दिखाई, जिसकी वीडियो जो दो दांत कटड़ी हमारे पास छोटे साइज की है, वो भी बच्चा दे चुकी है और उसने कटड़े को जन्म दिया है। इस जोटी को अभी बेचने का विचार नहीं है, खीस से खाली करके, बोले से खाली करके 10 लीटर 9 लीटर दूध से शुरू हुई है और उम्मीद करेंगे 15-16 लीटर दूध निकालेगी। जब पूरे दूध पे आ जाएगी उसी टाइम हम इसको बेचने का विचार करेंगे। तो थोड़ा सा हवा तेज चलने के कारण सारे के सारे पशु थोड़े परेशान अंदर बाहर करने के चक्कर में, बाकी जो दूध निकालने का हमारा सिस्टम है वो अंदर ही हम सभी पशुओं का दूध निकालते हैं। और ये देखिए आज जो हमने पशु दिखाए अपने फार्म पे, दूध वाली भैंसे पहले और दूसरे ब्यांत की, आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ही मैं आज अपना नंबर भी दे रहा हूँ, जिस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, जो भाई साथ ही सुभाष भाई का भी नंबर चल रहा है कोने में और एक साइड में मेरा नंबर चल रहा है। तो जो भाई व्हाट्सअप पे मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप का मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हैं इस नंबर पे। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं, जो भाई ये कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि सुभाष भाई फ़ोन नहीं उठा पाते, तो आप व्हाट्सअप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कहना दोबारा चाहूँगा, जो भाई 1,00,000 रुपये से कम का पशुधन लेना चाहते हैं, फ़िलहाल की डेट में हमारे पास है नहीं, तो आप इतने जो 1,00,000 से कम का पशु लेना चाहते हैं वो फ़ोन ना करें, रिक्वेस्ट आपसे। और जो भाई पशु अच्छा पशु लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन में हमारे नंबर चल रहे हैं, फ़ोन भी आप दिन के टाइम कीजिए, लगभग सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, उसके बाद फ़ोन ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है, दिन के टाइम फ़ोन कीजिए। और कमेंट्स में आज की वीडियो के बारे में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। बहुत बढ़िया सिलेक्शन आज की डेट में मैं कहूँगा हमारे पशुओं की, बहुत मेहनत करके दिन रात ढूंढ के ये पशु लाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक करें। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।